जोहार भाइयों, गुड मॉर्निंग। आप सबको फिर से लेके आए हुए हैं हम आज इसी कड़ी में वीडियो का। ये मेरा किचन गार्डन है। किचन गार्डन में मेरा बहुत सारे चीज़ें लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक चीज़ आपको दिखाने जाते हैं जिसका नाम है सोजन। सोजन अर्थात इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। इसे मुनगा, सहजन, गुजराती में सगेटा, बंगाली में सजीना और मराठी में सेगवा भी कहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि मुनगा का एक्चुअली हमने इसको लगाया है। ये मुनगा का बहुत ज़्यादा दिन का नहीं है, ये मेरा 90 दिन का मुनगा तैयार है। नर्सरी से मैंने मुनगा लाया था और ये मुनगा अभी लगभग मेरा से बड़ा हो गया है। आपको बताते हैं कि मुनगा के फ़ायदे क्या क्या हैं, मुनगा क्यों लगाना चाहिए। हर एक किसान को या फिर हर एक फैमिली को अपना घर में कम से कम एक मुनगा का पौधा लगाना चाहिए। मुनगा का पौधा, तुलसी का पौधा, केला का पौधा, पपीता का पौधा, इन चीज़ों को घर में रखने से बहुत बेनिफिट्स हैं। जैसे हरे साग सब्जी खाने के लिए ये 12 महीना खा सकते हैं। ये 12 महीना फल देने वाले चीज़ हैं, पत्ता खाने वाली चीज़ है। इन्हीं में से आपको हम बता देते हैं कि मुनगा के फ़ायदे क्या क्या हैं। मुनगा लगभग 300 प्रकार के, जी हाँ, 300 प्रकार के बीमारियों को रोकथाम का एक लौता ये दवाई है, औषधि है, जिससे हम 300 प्रकार के बीमारियों को रोक सकते हैं। इसके 52 प्रकार के मल्टी गुण्स हैं, विटामिन्स हैं, 52 प्रकार के मल्टी विटामिन्स हैं, 46 प्रकार के इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, 36 प्रकार के दर्द नाशक इसमें दर्द को निवारण करने वाले गुण हैं, 18 प्रकार के एमिनो एसिड पाए जाते हैं और दूध से 4 गुना इसमें कैल्शियम पाया जाता है, संतरे से 4 गुना विटामिन पाया जाता है। इसी तरह अगर बात करें केला से, तो केला से भी ये लगभग 4 गुना अधिक पोटेशियम पाया जाता है। रोगों इसमें जो इसका लक्षण जो है, इसे बचाने का या फिर इसका बेनिफिट्स का जो बात करेंगे, अनगिनत है। जिनको अभी हम गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। हम छोटी छोटी चीज़ों को हम बताते हैं। ये इससे बीपी कंट्रोल होता है, रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ाता है, पाचन तंत्र मजबूत करता है और घुटने में अगर दर्द है तो इसका यूज सेवन जरूर करें। इसका सेवन किस तरह कर सकते हैं, इसका पत्ती को हम लोग साग के रूप में खाते हैं, फली को भी खा सकते हैं सब्जी के रूप में, इसका जूस बना के, सूप बना के पी सकते हैं, यहाँ तक कि इसका जड़ को भी हम लोग यूज कर सकते हैं बहुत प्रकार के दवाई के रूप में। आते हैं हम इसका विटामिन का बात करते हैं, तो इसमें विटामिन B12 पाया जाता है, खून साफ करता है, घुटने की दर्द में ये मदद करता है ठीक करने में, त्वचा साफ रखता है। बालों का बात करें तो बाल काले रखते हैं, बाल झड़ने से बचाते हैं मुनगा के पौधे। तो बहुत सारे गुणों में इन पौधे का गुण है, मुनगा का गुण है। हमें मुनगा का सेवन कम से कम सप्ताह में 2 दिन करना चाहिए। हर घर में एक मुनगा लगना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें आपको अच्छा लगती है, वीडियो ठीक लगे, तो हमारे वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें। जोहार रहे।